हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू दसवीं मास वाला। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो एकदम। जैसा कि आपको बताया कि हम लास्ट वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2.1, 2 और 3। इस वीडियो के अंदर अपन कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2.4। क्या खास है इस चैप्टर के अंदर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चले सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर चैप्टर 2.4 का पहला क्वेश्चन है, इसमें उचित सर्वसमिका का उपयोग करते हुए इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सर्वसमिका यानी कि सूत्र होता है, सूत्र क्या लगेगा यहाँ पे, जैसे मान लो सूत्र है एक्स प्लस ए, पहला सूत्र है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यह होता है एक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अपने को यहाँ पर मान रखना है, यहाँ पर दे रखा हुआ ये तो हो गया एक्स और ये हो गया ए और ये बी हो गया और ये फिर से एक्स हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अपन। तो यहाँ पर पहले तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, साथ में एक्स है प्लस ए बी यानी कि 4 गुणा 10, 4 गुणा 10 से 40, तो इसका तो आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ऐसा आपके समझ आया होगा, ठीक। इसी प्रकार ये भी है, इसके अंदर भी ये वाली सर्वसमिका ही उपयोग में आ जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पर तो माइनस है, तो माइनस है तो कोई बात नहीं, अपन उस माइनस को साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि ए क्या है यहाँ पर 4 प्लस बी क्या है, अब ये पूरा क्या है पूरे को लेना है अपने को, 5 ही नहीं लेना है, इसके चिन्ह के साथ भी लेना है, प्लस का चिन्ह के साथ अपन ये नहीं लेते कि प्लस 5 ऐसे नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट अपने को दिख जाता है। लेकिन यहाँ पर जो माइनस के साथ नहीं ले अगर अपन, तो माइनस में क्या हो जाएगी कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है माइनस का 5 है बी के स्थान पर, तो माइनस का 5 साथ में एक्स यानी कि गुणा 3x प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 गुणा माइनस का 5, यहाँ तक आपके समझ आया होगा। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3x का होल स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 4 में से, अभी यहाँ पर एक प्लस है कोष्ठक के जस्ट बाहर और अंदर माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 कितना हो गया 4 में से 5 गया, तो माइनस का 1 माइनस, अब माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, क्या हो जाएगा माइनस का 3x, फिर 4 को माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, अब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, तो माइनस का 20, तो इसका विस्तार क्या आ गया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा y² + 3/5 और y² - 3/5, अब ये अलग सर्वसमिका से हल होगा। तो यहाँ पर सर्वसमिका क्या लगाएंगे अपन, यहाँ पर लग जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a क्या है वाई स्क्वायर, बी क्या है 3/5, ए का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। अब अपन ने पहले प्रश्नावल के अंदर देखा था कि ए की पावर एम गुणा ए की पावर एम, इसकी और पावर बनाती है तो क्या होता है ए की पावर एम गुणा एन हो जाती है, तो यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा वाई की पावर 4 और यहाँ पर माइनस 3/5, अब यह पावर ऊपर और अंश और हर दोनों में जाती है, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा अपने पास में वाई की पावर 4 माइनस 9/25। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, अपन को यहाँ पर बिना कैलकुलेशन के सर्वसमिका का उपयोग करते हुए इनको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर है 103, 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, ठीक है, और 107 को लिख सकता हूँ मैं 100 प्लस 7, आप कहेंगे कि लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि मैं इसको मानूँ एक्स और इसको मानूँ ए, इसको मानूँ एक्स और ये बी, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला सर्वसमिका याद आ रही होगी जब भी अपन ने पहले देखा था, क्या एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, ये सर्वसमिका आपको याद आ रही होगी अभी अभी जस्ट देखा था अपन ने। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का होल स्क्वायर, 100 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 3 और प्लस 7, 3 प्लस 7 एक्स, एक्स का मान 100 प्लस ए बी 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, तो यह हो जाएगा 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और प्लस 3 और 7 10, 10 गुणा 100 1000
प्लस 7 या 21, इसको जोड़ेंगे तो 21 यहाँ पर 0 1 1 कितना या 11021 आ गया। इसका मल्टीप्लाई 103 और 107 को मल्टीप्लाई करता है तो क्या आता है 11021। ठीक है, आशा आपके समझ आया होगा। अब इसी प्रकार इसको भी सोल्व करना है, तो इसको 100 है ना, 104 है, तो 104 को मैं लिखूंगा 100 प्लस 4, और जो चिन्ह में है ना इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 4, 100 में से 4 घटाने पर वापस क्या आएगा, चिन्ह में आएगा। अब यहाँ पर देखो ए और बी, यदि मैं इसको ए बी मानता हूँ तो ये हो गया ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी जस्ट देखा था अपने, तो यहाँ पर 100 का ए का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9,984। कितना आ जाएगा 9,984। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 9,984 आएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन एक बचा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका क्या आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपयुक्त सर्वसमिका को प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, जिसमें से पहला है 9x² + 6xy + y² 9x² + 6xy + y². अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये को एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो अब इसको किस प्रकार सोल्व करें, इसके गुणनखंड करने हैं अपने को, तो क्या होगा इसके गुणनखंड, तो आपको क्या करना है पहले वाले पद को पकड़ना है। अब यहाँ पर 9x² है, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं 3 का स्क्वायर रखूँगा। यहाँ पर साथ में क्या है x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9x² को 3x² प्लस, यहाँ पर क्या है 6x है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 3x × y, लिख सकता हूँ आराम से, आप कहेंगे लिख सकते हैं आराम से, प्लस y² अब यहाँ पर ही आपको एक सरसमिका नज़र आ रही है आपको, तो यहाँ पर दे रखा है अंत में y² आगे 3x² तो ऐसी सर और प्लस 2 × 3x × y, तो ऐसी सरसमिका क्या होती है a + b² बराबर होता है a² + 2ab + b², ये सरसमिका आपको याद हो रही होगी। तो यहाँ पर क्या है a² + 2a = 3x b = y + b² यानी कि y² तो यह क्या हो जाएगा 3x + yb इसका होल स्क्वायर, तो इसके गुणनखंड कितने आ गए 3x + y। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर x² - y² / 100 इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का तीसरा है x² - y² / 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 100 है ना, 100 को क्या लिख सकते हैं अपन, 100 बराबर लिख सकते हैं 10^2, 10^2 रखेंगे अगर अपन यहाँ पर, तो x² - y² / 10^2, दोनों की पावर सेम है तो क्या हो जाएगा x² - y / 10 इसकी होल पावर 2। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला दिख रहा है अपने को, यहाँ पर क्या कौन सी सरसमिका लगा सकते हैं अपने अपन, तो यहाँ पर लगा सकते हैं, अभी जस्ट देखा था अपने a - b a + b = a² - b², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x - y / 10 और x + y / 10, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए x - y / 10 और x + y / 10। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त सरसमिका का प्रयोग करते हुए निम्न का प्रसार कीजिए, तो यहाँ पर पहला ही लेते हैं अपन x + 2y + 4z² तो यहाँ पर अपन एक सरसमिका लगाएंगे, वो क्या होती है a + b + c² बराबर होती है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, तो ये होती है सरसमिका। ठीक है, तो आपको इस प्रश्नावली में ऐसे फॉर्मूलों को रटना ही पड़ेगा, रट लिया आपने फिर आपको इसको कहाँ पर लगाना है वो सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने को ये सरसमिका लगानी है, यहाँ पर अब किस प्रकार लगाएंगे, यहाँ पर a है x और b क्या है 2y और c क्या है 4z, a² यानी कि x² प्लस b² 2y² प्लस c² यानी कि 4z² प्लस 2ab यानी कि 2 × x × 2y प्लस 2bc 2 × b का मान है 2y
उनासी का मान क्या है, 4z प्लस 2ca, सी कितना, 2 गुणा सी कितना है, 4z, 4z गुणा ए क्या है, x है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर यानी कि 16z स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 4xy प्लस 2 दोनों 4, 4 चौक 16, 16yz प्लस इसी प्रकार इसको करेंगे 2 चौके 8zx, तो ये हो गया इसका प्रसार। ठीक है, इसी प्रकार अपन एक और करते हैं इसी का, तो यहाँ पर देखो इसका लेते हैं अपन पांचवा लेते हैं, क्या लेते हैं इसका पांचवा लेते हैं, माइनस का 2x माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z, इसका होल स्क्वायर करना है, फॉर्मूला सेम यही लगेगा, यहाँ पर a है माइनस का 2x, b है 5y और c है माइनस का 3z, तो करते हैं स्टार्ट, एक्स ए स्क्वायर यानी कि माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि माइनस का 3z का होल स्क्वायर माइनस 3z होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा माइनस का 2x गुणा 5y प्लस, अब यहाँ पर आपको चिन्हों का अवश्य ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर दो माइनस है, यदि आपने चिन्हों को ध्यान से नहीं रखा तो आपका सॉल्यूशन अच्छा आने की वजह है गलत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्हों का आपको अवश्य ध्यान रखना है, यहाँ पर है 2 गुणा बी सी यानी कि 5y गुणा माइनस का 3z, आपको प्लस का ध्यान नहीं रखना लेकिन साथ माइनस का अवश्य ध्यान रखना है कि माइनस क्या है और कहाँ पर आता है। ठीक है, कहाँ पर है, ठीक है, इसी प्रकार 2ca, तो यहाँ पर 2 गुणा सी माइनस का 3z, ए का मान माइनस का 2x। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर यानी कि 25y स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर यानी कि 9z स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, अब ये 20 तो रख दिया मैंने, अभी माइनस का आएगा प्लस का आएगा 20xy, अब यहाँ पर देखो माइनस है अंदर, इधर प्लस है यानी कि प्लस गुणा माइनस 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 गुणा प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ पर माइनस का 20xy, अब यहाँ पर भी देखो 2 पंजे 10 और 5 2 पंजे 10 10 दिया 30, अब यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे अपन, माइनस गुणा प्लस माइनस माइनस गुणा प्लस माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा 30yz, अब यहाँ पर देखो 2 गुणा 3 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, क्या आ गया, 12 आ गया, अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, साथ में क्या है जेड एक्स, तो इसका प्रसार कितना आ गया अपने पास में, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx, आई होप कि आपके समझ आया होगा। तो चलिए अब अगला किसका, पहला, इसके गुणनखंड किस प्रकार करेंगे अपन, तो ये अपन शुरुआत के तीन पदों को पकड़ेंगे, शुरुआत के तीन पदों को यदि अपन ने आसानी से समझ लिया कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है तो अपन इसका क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, 4x स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे वैसे लिख सकते हैं क्योंकि वापस सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर आएगा प्लस 9y स्क्वायर है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4z का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ये है ना 12xy, तो मैं इसको क्या लिखूँ, पहले तो लिखूँगा 2 गुणा, यहाँ पर अपने को फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाद में होता है 2ab, तो यहाँ पर 2x गुणा बी का मान 3y। ठीक है, तो ये तो प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, माइनस माइनस है यहाँ पर, तो माइनस का 2 गुणा वाई, वाई आ रहा है साथ में यानी कि 3y गुणा जेड आ रहा है यानी कि 4
जेड माइनस 16xz, तो पहले तो दो तो आएगा पक्का, अब x आ रहा है यानी कि 2x और जेड आ रहा है मतलब 4z आ गया। अब इसका फॉर्मूला बनाना है अपने को, तो फॉर्मूला किस प्रकार बनेगा, यहाँ पर a के मान मिल गया अपने को, b का मान मिल गया, c का मान मिल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान मिल गया, तो ए बी सी मिल गया अपने को, 2x 3y और 4z। अब यहाँ पर अपन चिन्ह कौन सा लगाएं, ये प्लस का है कि माइनस का है, ये इसका कैसे पता करें, तो यहाँ पर देखो ये वाले तो क्या है प्लस है, यहाँ पर देखो 4z आ रहा है, यदि यहाँ पर ये दोनों प्लस है तो 3y तो प्लस होगा, तो यहाँ पर मतलब क्या है 4z नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव होगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर देखो x यहाँ पर तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या है साथ में 4z है, तो मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा 4z को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो इसको नेगेटिव और ये हो जाएगा प्लस, अभी क्या हो जाएगा ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपको ये समझ नहीं आया तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास में और इसमें घनों को प्रसारित करना है, तो पहला लेते हैं अपन 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब घन में क्या होता है फॉर्मूला लगाते हैं अपन, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab तक a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला, क्या होता है दोस्तों ये होता है फॉर्मूला। चलिए अब इसको लगाते हैं यहाँ पर, a क्यूब यानी कि 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 गुणा a का मान क्या है यहाँ पर 2x है, 2x गुणा b का मान 1 कोष्ठक a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 1 हो गया, यह 2x का होल क्यूब बराबर 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 × 6 हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 = 12, साथ में x है तो 12x स्क्वायर प्लस 3 × 6x, अंदर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, तो प्रसारित रूप कितना आ गया अपने पास में 2x प्लस 1 का होल क्यूब का 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। आई होप कि आपके समझ आया होगा। हम इसी प्रकार है कि इसी का चौथा लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा है x माइनस 2 अपॉन 3 y का होल क्यूब। अब यहाँ पर अपन एक फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या होता है सेम यही फॉर्मूला है, तो अपन इसी को अप्लाई करते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा a क्यूब यानी कि x का होल क्यूब। अब यदि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको चिन्हों का वैसे ध्यान रखना है, यदि आपने चिन्हों में गड़बड़ी कर दी तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। प्लस बी क्यूब यानी कि माइनस का 2/3 y का होल क्यूब प्लस 3ab, 3 गुणा ए क्या है x गुणा बी क्या है माइनस का 2/3 y, अंदर ए प्लस बी यानी कि x माइनस का 2/3 y, यह हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब यानी कि एक्स क्यूब, अब यहाँ पर माइनस की संख्या है अंदर और इसका क्यूब कर रहे हैं, यदि माइनस की संख्या की पावर विषम हो अगर तो हमेशा चिन्ह बाहर क्या आएगा वो आएगा माइनस आएगा, यदि सम होती है अगर माइनस की संख्या की पावर सम होती है, अगर माइनस है अंदर और इसकी होल पावर यदि सम है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यदि विषम है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या है पावर विषम है और अंदर माइनस है तो क्या आएगा माइनस, पहले 2 का क्यूब यानी कि 8, 3 का क्यूब 27 और साथ में y का क्यूब। अब यहाँ पर प्लस लगाने से पहले अपन क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 2 गुणा माइनस 2y × x, तो यह हो जाएगा माइनस का 2xy कोष्टक, x
अब यहाँ पर प्लस है और अंदर क्या है, माइनस है। क्या है अंदर? माइनस है। तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस दो बटा तीन पाई। अब इसको आगे भी सॉल्व करना चाहे अगर अपन, तो यहाँ पर करेंगे इसको, यहाँ पर जगह नहीं है तो आप डायरेक्ट कॉपी के नीचे जस्ट उतार लेना। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का आठ बटा सत्ताईस वाई क्यूब माइनस। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे व्यतिरेकता नियम से, तो माइनस का टू एक्स वाई गुणा एक्स एन की माइनस का टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस टू एक्स वाई गुणा माइनस का दो बटा तीन वाई माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस टू एक्स वाई। तो यह हो जाएगा फोर एक्स वाई स्क्वायर अपॉन थ्री। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप। अब मैंने जो इसके अंदर जो छोड़ा है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका विस्तार क्या क्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं। इस प्रश्न के सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला बेस है, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर सात का पहला ही दे रखा है 99 का क्यूब। अब इसमें सर्वसमिका का उपयोग करना है और इसका मल्टीप्लाई ज्ञात क्यूब ज्ञात करना है। तो क्या करना है अपने को, मैं 100 को 99 को लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 इसका होल क्यूब। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, ये मान लो ए और ये है बी, तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस तीन ए स्क्वायर बी प्लस तीन ए बी स्क्वायर होता है। ये होता है फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। तो यहाँ पर क्या है, ए क्यूब यानी कि 100 का होल क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस तीन गुणा 1 ए का स्क्वायर यानी कि 100 का होल स्क्वायर गुणा बी 1 प्लस तीन गुणा ए 100 गुणा बी का स्क्वायर एन माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब होता है, 100 का क्यूब होता है 1,00,000 माइनस ए का क्यूब 1 और ये हो जाएगा माइनस का 3 गुणा 100 का उसका रेंगे 10,000। तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस 30,000 30,000 हो गए प्लस ये हो जाएगा 3 गुणा 100 300। अब मैं पहले को पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ लूँ, यहाँ पर पॉजिटिव कितना है 300 है और 1,00,000 है, तो 1,00,300 हो गया। अब घटाना है आपको 30,000 घटाना है, साथ में क्या घटाना है माइनस वन भी करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या बचेगा 0, यहाँ पर 7, 9 कितना हो गया 970,299। तो 99 का क्यूब क्या आया 970,299। ठीक इसी प्रकार इसके अंदर है 102 का क्यूब और 998 का क्यूब, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किस प्रकार होगा। अब फॉर्मूला आपके सामने है a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का अपन ने पहले देख लिया था। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना इसके, वो सब फॉर्मूला बेस है। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसमें देखो आप 8a³ प्लस बी क्यूब। तो चलो मैं आपको एक तो बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, बहुत आसान है। अब यदि आपको फॉर्मूला याद है ना तो आराम से कर लोगे आप। फॉर्मूला नहीं है तो फिर याद नहीं है तो फिर उसका क्या कर सकते हैं अपन, हाँ कुछ कर सकते हैं, उसको याद करा सकते हैं। अब उसके लिए अपन, यदि आपको याद करना है तो आप कमेंट करो। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab² ये है। अब इसको क्या करना है, अपने को गुणनखंड करनी है। किस प्रकार करेंगे, अभी जस्ट अपन ने पहले किया ही था, 2a³ यानी कि 2 गुणा 8a³ है ना, तो 2a का होल क्यूब करता हूँ मैं, तो वापस क्या आएगा 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 2a का होल स्क्वायर गुणा बी। ठीक है, लिख सकता हूँ आराम से लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 3 गुणा 2a गुणा b². अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर a क्या है 2a प्लस b का क्यूब यानी कि b इसका होल क्यूब आ गया आराम से गुणनखंड, 2a प्लस b का होल क्यूब है ये। ठीक है, इसी प्रकार इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो के अंदर मजा आया। तो
आज की वीडियो कुछ लंबी होने की वजह से हम यहीं पर बंद करेंगे इसको। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के कुछ जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।